हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे जीके जीएसजीए के टॉप 100 क्वेश्चन का एक और नया क्विक रिवीजन सेट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, मैं आपके लिए सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेकर आता हूं जो कि बार बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये इस सीरीज का पार्ट 70 है। यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। हाल ही में 2020 में आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप किसने जीता? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बांग्लादेश। दोस्तों, याद रखिएगा, बांग्लादेश ने भारत को हराकर आईसीसी अंडर 19 विश्व कप का खिताब जीता है। और यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो याद रखिएगा, इसका आयोजन स्थल रहा दक्षिण अफ्रीका। 2019 के आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? सही आंसर है रोहित शर्मा। सोना घुलनशील है, आंसर है अम्लराज में। किस पूर्व या वर्तमान सांसद का वास्तविक नाम राजेश्वर प्रसाद विधूड़ी है? आंसर है राजेश पायलट। हाल ही में 2020 में दो दिवसीय हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है त्रिपुरा। दोस्तों, याद रखिएगा, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है प्राचीन वन पक्षी हॉर्नबिल का संरक्षण करना और पर्यटन के माध्यम से लोगों की आजीविका को प्रोत्साहित करना। विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 10 फरवरी को। चैत्राभूमि किसका समाधि स्थल है? सही आंसर है बीआर अंबेडकर। शास्त्रों के अनुसार पक्षीराज या भगवान विष्णु के वाहन गरुण के पिता कौन थे? आंसर है कश्यप। पिन कोड की शुरुआत हुई? आंसर है 15 अगस्त 1972 को। हाल ही में 2020 में दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एंकाकुआ पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की लड़की कौन बनी? सही आंसर है काम्या कार्तिकेयन। दोस्तों, याद रखिएगा, काम्या कार्तिकेयन 7वीं कक्षा की छात्रा हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल और दामोदर चापेकर में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी 1925 के काकोरी कांड का हिस्सा नहीं थे? सही आंसर है दामोदर चापेकर। मुल्तान शहर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? आंसर है मिट्टी के बर्तन। कौन सा राज्य पूर्व और दक्षिण में म्यांमार और पश्चिम में बांग्लादेश से घिरा है? आंसर है मिजोरम। शनि ग्रह का वायुमंडल मुख्यतः किस गैस से बना है? सही आंसर है हाइड्रोजन और हीलियम। हाल ही में 2020 में हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? आंसर है हरियाणा। हिंदू मान्यता के अनुसार किसे भूपुत्री, भूमिपुत्री और भूसुता नाम से भी जाना जाता है? आंसर है सीता। पीटीआई किस देश की समाचार एजेंसी है? आंसर है भारत, और इसका फुल फॉर्म है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। किस फुटबॉल टीम ने 2018-19 संतोष ट्रॉफी जीता? आंसर है सेना। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? आंसर है नाइट्रोजन। हाल ही में 2020 में हुनर हाट का उद्घाटन कहां किया गया? सही आंसर है इंदौर। 1011, 1091, 1551 भारत में इनमें से कौन सा नंबर वुमेन्स हेल्पलाइन नंबर है? सही आंसर है 1091। जीतू राय किस राज्य से हैं? सही आंसर है उत्तर प्रदेश। जीतू राय का संबंध किस खेल से है? आंसर है निशानेबाजी। औद्योगिक एल्कोहल है? आंसर है डिस्टिलाइड इथाइल एल्कोहल। हाल ही में 2020 में किस राज्य सरकार ने उड़ान के तहत पहली हेलीकॉप्टर सेवाओं की शुरुआत की? सही आंसर है उत्तराखंड। दोस्तों, याद रखिएगा, उड़ान का फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 11 दिसंबर। कथा सरित सागर के रचयिता कौन है? सही आंसर है सोमदेव भट्ट। निशांत बाग कहाँ स्थित है? आंसर है जम्मू कश्मीर। संसद के कुल कितने सत्र होते हैं? आंसर है 3, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। हाल ही में 2020 में रोजर कहन का निधन हुआ, वे कौन थे? सही आंसर है लेखक। और दोस्तों, इनकी एक पुस्तक का नाम आप याद रखिएगा जो कि बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। इनकी पुस्तक का नाम है द बॉयज ऑफ समर। प्रसिद्ध रोम का कालुशियम कहाँ स्थित है? आंसर है इटली। विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र है? आंसर है जापान।
विद्युत विभव का एसआई मात्रक है? आंसर है बोल्ट। केसरी न्यूज़पेपर शुरू किया गया? सही आंसर है 1881 में मराठी भाषा में। हाल ही में 2020 में किस राज्य सरकार ने स्कूल कॉलेज छात्रों के लिए इंटर्नशिप योजना की शुरुआत की? सही आंसर है उत्तर प्रदेश। फलों का अध्ययन कहलाता है? आंसर है पोमोलॉजी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? सही आंसर है 28 फरवरी को। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? आंसर है विकिरण के द्वारा। तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? आंसर है भूटान। हाल ही में 2020 में ढाका आर्ट सम्मेलन के 5वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर है KM खालिद। पेचिस का कारक है? आंसर है प्रोटोजोआ। भारत के संविधान के शिल्पकार कहे जाते हैं? आंसर है डॉक्टर BR अम्बेडकर। सोना का संकेत है? आंसर है AU। हाल ही में 2020 में राजू भारतन का निधन हुआ, वे कौन थे? सही आंसर है पत्रकार। ये एक प्रसिद्ध क्रिकेटर पत्रकार थे। स्नूकर में उपयोग होने वाली गेंदों की संख्या है? आंसर है 22। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? आंसर है लाल रंग। लिटिल कारपोरल के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर है नेपोलियन बोनापार्ट को। सेल्सियस स्केल में मानव शरीर का तापमान होता है? आंसर है 36.8 डिग्री सी। पूर्ण पृथ्वी पर समान दिन रात होना कहलाता है? आंसर है इक्विनॉक्स। एथलीट फूट नामक बीमारी उत्पन्न होती है? आंसर है कवक से। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र था? आंसर है त्रिभुजाकार। 2019 में किसने अपना पहला वाणिज्यिक प्रक्षेपण किया? सही आंसर है SpaceX। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम किसने बताया? सही आंसर है मैक्सवेल। कौन ग्रह घड़ी की दिशा में घूमता है? आंसर है शुक्र। पिरामिड का देश तथा नील नदी की देन के नाम से जाना जाता है? आंसर है मिस्र को। अभी दिल्ली दूर है किस संत का कथन है? आंसर है निजामुद्दीन औलिया। भारतीय नौसेना ने वर्चुअल रियलिटी सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया? सही आंसर है नई दिल्ली। अनुच्छेद 108 संबंधित है? आंसर है संसद के संयुक्त अधिवेशन से। काली नदी के नाम से जाना जाता है? आंसर है शारदा नदी को। नाड़ी की गति प्रदर्शित करती है? आंसर है हृदय की गति को। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? सही आंसर है 9 दिसंबर 1946। 2019 में 21वें एशियन भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कहां संपन्न हुई? आंसर है नई दिल्ली। देवदास के लेखक कौन हैं? सही आंसर है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। सबसे बड़ा महाद्वीप है? आंसर है एशिया। किदाम्बी श्रीकांत संबंधित है? आंसर है बैडमिंटन से। ट्रैकोमा रोग किस अंग को प्रभावित करता है? आंसर है आंख। 2019 में भारतीय रेलवे बोर्ड ने 64वां रेलवे सप्ताह कब आयोजित किया था? सही आंसर है 13 अप्रैल को। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है? आंसर है डेमोग्राफी। इंदिरा पॉइंट है? आंसर है भारत का दक्षिणतम बिंदु। अंगूर की खेती का अध्ययन कहलाता है? आंसर है बीटी कल्चर। कस्तूरबा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? आंसर है 1944 में। सितार परिवर्तित करता है? आंसर है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। 2019 में जीन मिशेल लेपिन को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया? आंसर है हेती। बूलर झील स्थित है? आंसर है जम्मू और कश्मीर में। अनुच्छेद 17 में वर्णित है? आंसर है अस्पृश्यता का अंत। दिल्ली सल्तनत के राजवंशों का सही क्रम है? आंसर है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश एवं लोधी वंश। वह विज्ञान जो मनुष्य की बीमारियों की व्याख्या करता है? आंसर है एंड्रोलॉजी। 2019 में जलियांवाला बाग स्मारक सिक्का और स्मारक डाक टिकट किसने जारी किया? सही आंसर है M. वेंकैया नायडू। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहां दिया था? सही आंसर है सारनाथ। पृथ्वी पर डायनासोर किस काल में था? आंसर है मेसोजोइक युग। बैलून में कौन सी गैस भरी जाती है? आंसर है हीलियम। जीवन रक्षा पदक कितने प्रकार के हैं? आंसर है 3। 2019 में आर्द्र भूमि की रक्षा हेतु CMFRI और किसके बीच समझौता हुआ? सही आंसर है इसरो। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसरो और CMFRI के बीच यह समझौता हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूना
समझौता, दोस्तों थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। पूना समझौता, पूना समझौता पर हस्ताक्षर किया गया, सही आंसर है 1932 ईस्वी में। सेबी की स्थापना की गई, आंसर है 1988 ईस्वी में। अमेरिकन वैज्ञानिक एडविन लैंड प्रसिद्ध थे, आंसर है कैमरा के आविष्कार के लिए। 2019 में प्रदीप चौबे का निधन हुआ, वे कौन थे, सही आंसर है कवि। राकेश शर्मा किस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष गए थे, आंसर है सोयोज T11। मीथेन गैस जलने से निकलती है, आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। भारतीय हॉकी टीम ने प्रथम बार ओलंपिक कप जीता, आंसर है 1928 ईस्वी में। बादल आसमान में तैरता है क्योंकि, आंसर है उसका घनत्व वायु से कम होता है। 2019 में आशा किरण का विमोचन किया गया, यह किस की आत्मकथा है, आंसर है डॉक्टर एस चंद्रशेखर। UNFCCC का विस्तार है, आंसर है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। स्वराज पार्टी के संस्थापकों में से एक थे, आंसर है मोतीलाल नेहरू। 2019 में डिजिटल भुगतान सुरक्षा कंपनी बिम्बो का अधिग्रहण किसने किया, सही आंसर है PayU। गुप्त वंश का असली संस्थापक था, आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम। फूलों की घाटी कही जाती है, आंसर है उत्तराखंड में स्थित पश्चिमी हिमालय घाटी। दुनिया के मजदूर एक होकर नारा दिया, आंसर है कार्ल मार्क्स ने। भारत भारतीयों के लिए है नारा है, आंसर है आर्य समाज का। गांधी जी को नंगा फकीर कहा था, आंसर है विंस्टन चर्चिल ने। दोस्तों आपके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको स्टैटिक जीके की जरूरत है तो मैंने एक 1000 स्टैटिक जीके का यानी कि 1000 स्टैटिक जीके क्वेश्चन का एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने लगभग 52 टॉपिक कवर किए हैं जो कि हर एक एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और साथ ही साथ मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। दोस्तों आप इस वीडियो को लगातार देखें, बार बार देखें, आपका स्टैटिक दिन पर दिन अच्छा होता जाएगा। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।